तो आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने चैनल पे इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका काम आसान हो जाता है। तो आज हम लेदर के सामान की बात करेंगे, जैसे शूज हुआ, बेल्ट हुआ, पर्स हुआ। अगर हम बारिश के मौसम में इसे सुरक्षित न रखें तो इसमें फंगस लग जाते हैं, दहिया लग जाते हैं और ये हमारी महंगी महंगी सामानें एकदम से ख़राब हो जाती हैं। तो इसे हम किस तरह से रखें कि हमारे जो लेदर की सामानें हों वो जल्दी से ख़राब ना हो, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी पता चलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए कम बातें करते वीडियो शुरू करते हैं। अगली टिप्स हमारी सूजी के हलवे को लेकर के है। जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं तो सूजी भूनते वक्त हमें इसमें एक चीज़ ज़रूर डालना चाहिए, जिससे हमारे जो है कि सूजी के हलवे का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। हमने क्या किया है, यहाँ इलायची पाउडर ले लिया है। अब हम एक चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी वक्त आप क्या कीजिए, अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट डालना है आप इसी वक्त इसमें डाल दीजिए और चीनी ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ देखिए हमारा सूजी का हलवा बनकर के रेडी है। आप इसमें कुछ भी मत डालिए, अगर आप ड्राई फ्रूट भी नहीं डालेंगे फिर भी सिर्फ इलायची का एक चम्मच पाउडर डाल दीजिए। इससे जो है कि आपके जो है सूजी का टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा और आपका हलवा बिल्कुल लाजवाब एकदम टेस्टी बनकर के तैयार होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारे इस तरह के जो है कि लेदर वाले सूज को लेकर के हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जो हमारे लेदर वाले सूज होते हैं, बेल्ट होते हैं, पर्स होते हैं, अक्सर उसमें दहिया लग जाती है, उसमें फंगस लग जाते हैं। ऐसे में हमारी जो महंगी महंगी सामान है उसे ख़राब हम क्यों करें। तो यहाँ आपको कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करना है अगर आपको इसे सुरक्षित रखना है। तो बस आपको यहाँ क्या करना है, अब उसके लिए आपको यहाँ नारियल का तेल ले लेना है। मैंने यहाँ कोकोनट नारियल का तेल ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉटन की मदद से हम जो है कि तेल लगा लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सूज पे हम जो है कि तेल लगाएंगे तो जब बाहर निकलेंगे तो इस पर धूल मिट्टी तो और भी जम जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ, पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से हम अपने सूज पे जो है कि इस तरह से तेल से अच्छे से पहले रब कर लेंगे। जितने भी आपके कॉटन के पर्स हैं, आपके बेल्ट हैं, आप जो रखी हुई हैं, तो आप जो है इस तरह से पहले उसे लगा लीजिए। और जितने भी आपके सूज हैं इस तरह से लगा लीजिए। देखिए तो मैंने एक सूज पे लगा लिया है, अब इस वाले सूज पे मैं इसे लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे पे जो है कि जो है तेल लगा लिया। सारे पे ऑयल लगाने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ विनेगर ले लिया है। अब विनेगर हम लगाएंगे इस तरह से कॉटन पे। कॉटन में अक्सर लगा करके इसे अब क्या करेंगे, हम अब इस पे अच्छे से रब कर लेंगे सूज पे। और इसी तरह से आपको बेल पे, दोनों जो भी लेदर की सामानें हैं, इस तरह से आपको विनेगर अच्छे से लगा लेना है। और आपके बेल, आपके जो पर्स होंगे वो एकदम चमकने लगेंगे और आप इसे जो है कि लंबे दिन तक आपके जो पड़े रहेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, क्योंकि महंगी महंगी सामानें हैं तो हमें ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस ट्रिक से उन्हें बचा सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से लगाने के बाद आप इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए, कम से कम 10-15 मिनट के बाद ये देखिए अच्छे से सूख जाएंगे। तो ये देखिए 10-15 मिनट हो गए हैं और सूज हमारे एकदम अच्छे से सूख चुके हैं, अब आप इसे रख सकती हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से चमक रहे हैं, बिल्कुल एकदम से लाइट मार रहे हैं। तो इस तरह से आप जो लेदर के पर्स हैं, लेदर के सूज हैं, लेदर के जो है कि बेल्ट हैं, तो बरसात के मौसम में आप इसे इस तरह से जो है कि क्लीन करके रखोगे तो इसमें बिल्कुल जो है कि दहिया और फफूंदी नहीं लगेगी, क्योंकि ये महंगी महंगी सामानें होती हैं और जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो इसे में ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करें और इस तरह से इसे रखें। तो देखिए बहुत ही अच्छे से चमक रहे हैं, लाइट मार रहे हैं। तो आप जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए और इसे सुरक्षित रखिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी।
अगली टिप्स हमारे चश्मों को लेकर के है। इस तरह के चश्मे हमारे जो है कि घर में जरूर होते हैं। हमारे घर में कोई ना कोई जो है कि व्यक्ति होता है जिसके जो है कि आँखों की रोशनी कम होती है। और फिर हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारे चश्मे पे इतने ज़्यादा स्क्रैच आ जाते हैं कि जब हम इसे क्लीन करते हैं तो जल्दी क्लीन नहीं होते हैं और इसके स्क्रैच जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं और हमें लगता है कि हमारे जो है चश्मे का जो फ्रेम है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, हम क्या करते हैं, कभी कभी गंदे कपड़े से हम अपने चश्मे को पोंछ देते हैं, या तो हम अपने सूट वगैरह पहने होते हैं, दुपट्टे पहने होते हैं, उन्हीं से हम पोंछ देते हैं, क्योंकि अक्सर हम पहने होते हैं तो वो अक्सर धूल मिट्टी डस्ट से वो गंदा होता है, तो इस वजह से हमारे चश्मों पर स्क्रैच आ जाते हैं। अगर आपके चश्मे पर स्क्रैच आ गया है तो अब हम इसे किस तरह से हटाएंगे, तो ये देखिए यहाँ हमने क्या किया है, आप कोई भी हेयर ऑयल ले लीजिए। मैंने यहाँ जो है कि आंवला का लिया हुआ है, आपके पास जो भी हो आप वो ऑयल ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस चश्मे पे इस तरह से हम ऑयल को डालेंगे, बस थोड़ा सा ये। तो इस तरह से ऑयल डालने के बाद आप क्या कीजिए, एक कॉटन ले लीजिए, कॉटन भी आपको साफ सुथरा लेना है, और इस तरह से कॉटन की हेल्प से इस तरह से चश्मों पर इस तरह से रब कीजिए। इस तरह से जब हम रब करेंगे तो हमारे चश्मे पे जो भी स्क्रैच आए हुए होंगे ना वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं इस तरह से जो है कि इसे अच्छे से रब कर ले रही हूँ, इसे अच्छे से साफ कर लेना है। और इसके बाद इस क्या कीजिए कि जो चश्मे में कपड़े आते हैं ना, हम जिससे अपने चश्मे को साफ करते हैं, अब आपको वही कपड़ा लेना है और इस तरह से अच्छे से आपको चश्मे को क्लीन कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने चश्मे को क्या किया है, बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है, आपको दिख रहा होगा इस पर बिल्कुल स्क्रैच नहीं है, जो भी स्क्रैच होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और चश्मा देखिए मैं इसे क्लीन करके दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से ये क्लीन हो गए हैं। जब भी आपके चश्मे पे इस तरह से स्क्रैच आ जाए तो आप जो है स्टिक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा ही चश्मा है, अक्सर मैं लगाती हूँ और जब इस तरह से स्क्रैच आ जाता है तो मैं स्टिक का इस्तेमाल करके चश्मे को मैं क्लीन कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय बालाजी।